तो एट नाइन थर्टी पी एम ई एंड मै मोम वेन टू मेक सम डिनर एंड हम आज डिनर में खाएंगे गार्लिक ब्रेड विद सम सौते वेजिटेबल्स एंड इज इज गोइंग टू बी सुपर हेल्दी क्योंकि आजकल हेल्दी फूड खाना बहुत जरूरी है गया हमारे पेपर भी चल रहे हैं तो हाँ आई आई एम मेकिंग द गार्लिक ब्रेड एंड मम्मी सौते वेजिटेबल बना रही है तो हमें गार्लिक ब्रेड पर चीज़ वगैरह डाल के सॉस डाल के उसका माइक्रोवेव में कर दिया उसके बाद वी आर डिनर गार्लिक ब्रेड को पहले पैन पे अच्छे से सेक लिया था सो क्रिस्पी कर लिया था उसके बाद वी हैंग वेजिटेबल एंड इट वाज़ सो टेस्ट इट विली एंड सुपर टेस्टी and and तो बी इट इजन पी एम एंड चैप्टर हाँ रिवाइज कम्प्लीटली मैंने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अच्छे से रिवाइज कर लिया है विद पी वाई क्यूज एंडल क्वेश्चन पेपर में से जो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है वो ऑल्सो एन सी आर टी तो हाँ आज मैं लाइक like, लिटरली मैं पेपर दे के आई हूँ एस एस टी का मेरे को इतनी नींद आ रही थी मैं बेहोश पड़ गई बिल्कुल ही बेहोश पड़ गई मेरे को पता ही नहीं था भैया मैं दो घंटे बाद उठी हूँ तो हाँ उसके बाद मैं पढ़ रही थी अच्छे से एंड मैंने बीच में खाना भी खाया एज आई ऑलरेडी शोन यू माई फूड एंड ऑल तो मैंने वो खाया उसके बाद अब मैं वापस आई हूँ दस बजे पढ़ने के लिए द रिमेनिंग टू चैप्टर्स मेरे को वो कंप्लीट करना है एंड आई एम प्लानिंग कि मैं आज करूँ रियल नंबर्स एंड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर जो है क्योंकि उसके वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी लाइक गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है तो हाँ इसलिए उसको अच्छे से करना जरूरी है तो हाँ एज आई हैव टोल्ड यू की मैं सिर्फ पी वाई यूज़ करूंगी एनसीआर टी करूँगी दट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड साम्डू क्वेश्चन पेपर करूँगी आज मैं कर रही हूँ सिर्फ वो उसी टॉपिक के क्वेश्चंस उसके बाद मैं कल करूँगी पूरा शाम सामने क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट डेम द सेम थिंग रिपीट एंड तीन साल में क्वेश्चन पेपर्स में प्लान कर रही हूँ कंप्लीटली उनको कंप्लीट करने का तो हा लेट्स सी कितना हो पाता है एंड आई होप भी पूरा होगा क्योंकि बस ये लास्ट पेपर है उसके बाद बस ए का पेपर है एंड बस बोर्ड्स खत्म भाई फाइनली खत्म एक महीने बाद बोर्ड्स खत्म भाई फाइनली मतलब तो सोंगी पूरा दिन आराम से एंड मैं अपनी नॉवल वगैरह पढ़ूंगी जो मेरे पास है ऑल्सो मैं टी वी देखूंगी बस और घूमने जाऊंगी बोर्ड्स खत्म कौन पढ़ेंगे ऑल तुम तो हम लोग भी तुम लोग बोर्ड्स के बाद क्या करोगे इन द कमेंट सेक्शन एंड अभी मैं मैथ्स की तैयारी कर रही हूँ कि मैथ्स के पेपर बाकी है तो हाँ द ओवरऑल प्लान इज टू कंप्लीट फोर चैप्टर्स टुडे देन बाकी के चैप्टर्स कल एंड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे द लास्ट डे दैट इज़ क्या दिन है हाँ uh, टेंथ ऑफ मार्च एक एग्जाम से एक दिन पहले ऑल द रिविजन एंड हमारे क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस वगैरह जो भी मिस्टेक हुई है वो एंड फार्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट ताकि एजर्शन टीचर में दिक्कत ना हो एंड हाँ शांति से हम सो जाएंगे रात में जल्दी इंसा मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज ऑलरेडीडीडीडीडी रिवाइज बड़े अच्छे से मैं ये वाली मैराथन ले रे रही हूँ ऑल फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शोभित भैया तो हाँ मैं इसको कंप्लीट करूँगी एंड उसके बाद आई एल कंटिन्यू सॉल्विंग मोर क्वेश्चन एंड यालेस को तो दिस इज मै टू लिस्ट फॉर टुडे एंड एंड से मैंने स्टार्ट और प्रोबिलिटी ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है पर मेरे को नहीं पता मैंने टिक टिकीन लगा रखा बट हाँ चलो एनी अगर रात में थोड़ा लेट हो जाएगा तो आई एल स्लीप अर्ली एंड मैं कल सुबह उठ के लीनियर रिक्वेस्टन्स करूँगी एंड जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ आई वर्क अप दी नेक्स्ट डे क्वाइट अर्ली मैं आठ बजे उठ गई थी एंड मैं नौ बजे से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कि एक घंटा तो भाई उठने में लगी जाता है ना थोड़ा फ्रेश होने में वैसे भी मैच पढ़ना थोड़ा दिमाग तो चले उसके बाद मैंने याकुल्ड भी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही तो मैंने याकुल पी लिया एंड टुडे बस महाशिवरात्रि तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल एंड आई होप शिवजी तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से करवाए सो तो हा बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो तो इट वाज लाइक एक दो बज गए थे एंड मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो ही गया था बट मेरे लीनियर इक्वेशन के जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन थे ना लाइक एमसीक्यू वगैरह वो मेरे बच गए थे तो हाँ मैंने उनको प्रैक्टिस करा अच्छे से क्योंकि ये चैप्टर मेरे को इतना गंदा लगता है लिटरली मेरे को बहुत गंदा लगता है ये चैप्टर मतलब इसमें मतलब तो क्या ही बोलना चाह रहे हो तुम कहना क्या चाहते हो भैया ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है तो हाँ मैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मेरे इसके इस यूनिट के जो और भी चैप्टर थे लाइक like, um, इक्वेशन और वो सब वो मेरे को अच्छे से आ गए क्योंकि उनमें एक ही वेरिएबल का यूज़ होता है तो ज़्यादा इतना दिमाग ख़राब नहीं होता बट हाँ इसमें बहुत दिमाग खराब हो जाता है तो हमें इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ताकि अगर इसका अगर पाँच नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो लाइक मेरे पाँच नंबर पूरे के पूरे ना जाए एंड मेरा पेपर अच्छा खासा हो जाए ओ मेगा ड्राइम हो गया और तुम लोग बताना तुम में से कितने कितने लोगों ने कल शोभित भैया कि मैराथन पूरी ली थी एंड मैंने तो ली थी पर हाँ मैंने लाइक तब से ली थी जब वो चैप्टर वो फाइव स्टार्ट कर रहे थे तो हाँ मैंने तब से ली, थोड़ी से ली थी थोड़ी सी मैंने स्टार्टिंग की थी क्योंकि मेरे बीच के चैप्टर जो है वो अच्छे से हो रहे तो मैंने उनको छोड़ के मैंने और चैप्टर रिवाइज करने लगी अपनी बी वाइक्यूज़ वाली बुक से ताकि आज मैं और उनकी मैराथन अटेंड करूँ जो जो छः बजे तो हाँ मैं वो करूँगी एंड उसके लिए मैं इसलिए करी कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में लाइक थोड़ी बहुत दिक्कत है ज़्यादा नहीं है तो बारह नंबर का अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि आठ से दस नंबर तो सेव हो जाएंगे मेरे ट्रिग्नोमेट्री के तो हाँ तो बाकी के दो जो नंबर बचे उनको मेरे को थोड़ा सेव करने के लिए मैराथन लेनी पड़ेगी और आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो हो ही जा रहे हैं एंड मैथ्स के लिए जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था कि जस्ट टू पी वाई क्यूज एनसीआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुमको लगता है कि तुम इसमें अटकोगे या तुम अटके हुए हो इस क्वेश्चन में तो हाँ तुम वो करो रिवाइज अच्छे से एंड जो साम्ब्रे क्वेश्चन पेपर है ना उनमें से उस चैप्टर के क्वेश्चन करो जो जो तुमने अभी अभी रिवाइज किया है तो तुम्हें पता चल जाए कि इससे ज्यादा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे तो हाँ यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन चैप्टर तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एट लास्ट यू विल है क्वेश्चन पेपर्स एंड ट्राई करो कि टाइम लिमिट में करो दैट इज इन टू पॉइंट फाइव आवर्स ओनली नॉट मोर देन दैट क्योंकि उस अगर तुम उससे ज़्यादा जाओ तो तुम्हें पेपर में बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आधा घंटा यू विल हैव हाँ टू तो लीव फॉर रिविजन फॉर मैथ्स क्योंकि तुम्हें अपनी कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी देखना पड़ेगी तुमने सारे क्वेश्चन ढंग से करे कि नहीं करे सारे पार्ट्स करें ऑप्शन सही लिखा है मैथ्स में वगैरह वगैरह और भी जितनी भी चीज़ें होती है जो तुम करते हो फिनिशिंग लाइन्स ड्रॉ करना अच्छी प्रेजेंटेशन करना तो हाँ यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैट थिंग एंड जब तुम रफ कॉलम बनाओगे ना पेपर के साइड में तो याद से उसके ऊपर रफ लिख देना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तो हाँ अच्छे से अपना पेपर करके आना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पेपर इतना मुश्किल नहीं आएगा जस्ट पढ़ाई कर जाए तो सब कुछ होता रहेगा आराम से ऑल्सो तुम लोग कितने चैप्टर हुए मेरे को बता देना क्योंकि मेरे अभी तक सिर्फ सात आठ चैप्टर ही कंप्लीट हुए हैं अभी दो दिन बाकी हैं तो मेरे को फटाफट कंप्लीट करना पड़ेगा एंड हाँ मेरे को साम्बल क्वेश्चन पेपर भी करना है तो हाँ ऑल्सो ये साल तो पता भी नहीं चला कहाँ को निकल गया पूरे टेंथ ऐसे गई है ना लाइक इतनी स्पीड से गई है पता ही नहीं चली कहाँ गई एंड बस खत्म ही होने वाली है आई कैंट बिलीव इतनी जल्दी टेंथ खत्म भी होगी बोर्ड्स भी इतनी जल्दी निकल गए कुछ भी पता नहीं चला क्साइटेड फॉर इलेवन बट एम गेंथ क्योंकि सारे दोस्त सब अलग अलग सेक्शन में हो जाएंगे न, बहुत याद आई उनकी बट हा ऑबियसली विल मीट बट स्टिल याद तो आएगी ना चल एनी वेज टेंथ क्लास वॉज क्वाइट एन अमेजिंग क्लास है मेरे को बहुत मजा आया इस साल तो हाँ सो दट इट फॉर दिस ब्लॉग इफ यू लाइक दिट डोंट फोर गेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू मई चैनल फॉर मोस्ट रिलेटेड कॉन्टेंट बाई